हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर बॉय फारस। आज मैं आया हूँ ब्रदर्स पर क्या खाने न्यूट्री कुलचा। चलो फ्रेंड्स, तो चल मेरे भाई इनका देखते हैं न्यूट्री कुलचा कैसा है और आपको टेस्टिंग करके बताते हैं। तो ये है गाइस न्यूट्री जो हम खाने आए हैं अमृतसर में फेमस। तो भाई इसमें क्या क्या खड़े मसाले में क्या क्या यूज़ होता है आपका? खड़े मसाले में भैया आपकी हो गई काली मिर्च, हो गई ओके, मोटी इलायची हो गई ओके, और दालचीनी हो गई ओके, मैदा वगैरह हो गई ओके, फूल हो गए ओके, और आप जो रसोई में यूज़ करते हो मसाला बस ओके। अरे भाई तुम देखो नेक्स्ट लेवल, उसके ऊपर अदरक डाल के भाई एक प्लेट लगा दो और आपको इसको टेस्ट। ये डाला ऊपर से प्याज और भाई मिर्ची कम डालना। ये जो डाला ऊपर से कटी हुई गाजर एंड ये डाला स्पेशली फाइनेस्ट पनीर। और इसके बाद इसको जी गरम आंच पे पकाने के लिए भैया ने रख दिया। क्यों भैया? हाँ जी भैया। गाइस देखो नेक्स्ट लेवल ओपी भाई। ओ भाई ओ भाई क्या बात है, उसकी खुशबू जो मसालों की खुशबू है वो यहाँ तक आराम से आ रही है मेरे को। ओ भाई ओ भाई ओ भाई नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। भैया मिर्ची बहुत कम डालना है, अगर आपको मिर्ची अपने हिसाब से एडजस्ट करवानी है तो आप करवा सकते हैं। फिर से पनीर की टॉपिंग अगेन। और ये क्या डाला भैया? पनीर का मक्खन डाला, अमूल मक्खन। ओ भाई ये देखो तुम, ये देखो आप लोग, बस सिंगल कुलचा भैया, भैया सिंगल कुलचा। और ये इसको कुलचे में डाल के क्या ही बात भाई, नेक्स्ट लेवल। ओह माय गॉड। सो गाइस सर्व्ड विद द न्यूट्री एंड सर्व्ड विद द स्वीट चटनी। और तुम भाई न्यूट्री की देखो, ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। जो इसमें टेस्ट है मसालों का टेस्ट है बहुत 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 ही बढ़िया तरीके से आ रहा है, और साथ में ये प्याज का टेस्ट है जो दिस इज ऑसम ऑसम भाई। तुम खड़े मसालों का टेस्ट था डेट वॉज ऑसम एंड इसके जो मीठी चटनी थी और जो खट्टी चटनी के साथ इन्होंने सर्व किया इसे खा के मज़ा ही आ गया। एक जो ज़ुबान में टेस्ट होता है ना कि हाँ भाई ये चीज़ खाई है मैंने, हाँ भाई जो मसाले का खड़ा का था, खड़े मसालों का था मिक्सचर स्वाद वो एकदम से आ रहा था। जो काले मिर्च का था वो भी टेस्ट बहुत 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 ही फाइनल था। आप जब भी अमृतसर आएँ और इनकी शॉप पे ज़रूर आना ज़रूर आना। और तो आइए बात करते हैं भैया से, तो क्या कहते हैं हमारे भैया? भाई आप क्या हमारे कस्टमर्स को बता सकते हैं कि आपकी शॉप कितने साल पुरानी है? सर हमको कम से कम 10 साल हो गए। ओके, तो आपको क्या ऐसी है कि लगता है कि हाँ भैया मैंने कहा आज सुबह काम पे जाना है, तो क्या आपको ऐसी चीज़ इंस्पायर करती है कि मैंने आज काम पे जाना और अपने कस्टमर्स को अच्छी से अच्छी चीज़ बना के खिलानी है? सर मेरी तो रोज़ यही कोशिश होती है कोई कस्टमर को किसी शिकायत का मौका ना आए और कोई दिक्कत ना हो, कि कोई चीज़ का कोई कंप्लेंट ना हो, जिसको कोई कंप्लेंट होती है मेरे को पता है कि ये कंप्लेंट है वो कंप्लेंट है मसाले कम डाले हैं वो, फिर मैं परफेक्ट कर देता। तो भैया जैसे जिनको भी जो खाना हो कि अगर मिर्ची, क्योंकि मैं तो मिर्ची कम खाता हूँ, जो मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो उनके लिए क्या था, वो उनके मिर्ची के लिए बन जाता है? हाँ जी सर वो बन जाता है अलग के लिए। ओके, हरी मिर्ची स्पाइसी कर देते हैं। ओके 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 ओके, अगर और चाहिए होगी और थोड़ी। तो भैया आप हमारे कस्टमर्स को ये बताइए आपकी ये शॉप कितने साल पुरानी है, जब भी आए तो क्या
कम से कम रनिंग हमारी दुकान है। ओके, अपना जब भी आओगे बसंत मेन मार्केट में हमारी शॉप है शाटा ब्रदर के नाम से। ओके ओके, ये अपना हमारे भाई एंड सो गाइस वाज माई फर्स्ट व्लॉग। सो आपको कैसा लगा ये व्लॉग मेरे को लाइक करके कमेंट करके और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। एंड दिस इज़ योर बॉय साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आपको कोई भी व्लॉग रिलेटेड कुछ भी कोई देखना है अमृतसर का कोई स्पेशल चीज़ तो आप मेरे को कमेंट करके बता दूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर मैं बना दूँगा। मैं ओके भाई, थैंक यू भाई, बाय बाय गाइस।